problem, the cage. तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी? ऑफकोर्स आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना चाहिए। तो आज भाई मैं दोबारा से एक और गेम खेलने आ रहा हूं, उसका नाम है मेटल हॉरर एस्केप गेम, और इस गेम का ये है पार्ट 3 गेम। तो फिर चलो भाई यार, जल्दी से हम यहां पे अपने गेम को शुरू कर लेते हैं। तो भाई चलो यार, फाइनली हम गेम के अंदर आ चुके हैं, और भाई मैं किसी भाई रूम के अंदर जो बंद हूँ, देखते हैं भाई इधर भाई एक्सप्लोर करके क्या क्या सामान है। और फिलहाल तो भाई इधर भाई एक लोकर इसको चेक कर लेते हैं, लेकिन भाई ये की से खुलेगा? इधर देख लेते हैं भाई, इसके तो कुछ है तो है एक। अरे भाई खुल जा सेम सेम जादूगर है। और इधर फाइनली भाई मुझे देखो भाई लॉक पिक मिल चुके हैं। चलो भाई ये तो बढ़िया, इस ड्रॉर में तो कुछ नहीं है। और भाई इसकी इधर लकड़ी है, लकड़ियों के नीचे कुछ है क्या? और इधर कुछ नहीं है, और इधर भी भाई कुछ भी नहीं है भाई। और फिलहाल भाई इधर एक विंडो है, देखते हैं भाई इधर तो कुछ भी नहीं है। और एक सेकंड भाई, इधर भाई एक बॉक्स है जिसपे भाई कुछ टेप से बंद हुआ है, इसको काटना पड़ेगा। और इधर देखते हैं भाई इधर कुछ है क्या? और एक सेकंड, तुमसे क्यों सामने भी कुछ हुआ दिख रहा है? कुछ मुश्किल है भाई, तुमसे क्यों दिख रहा है? बहुत ज्यादा डार्क है, पता नहीं भाई। लेकिन भाई सामने की तरफ में दीवार में कुछ लिख रहा है। लेकिन यार सबसे पहले अपनी हम लॉक पिक से दरवाजा खोल के बाहर जरा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इधर क्या क्या सामान है, क्या क्या नहीं है। और फिलहाल इधर भाई कुछ बॉक्स है, इधर देखते हैं। और अबे भाई कौओं ने भाई चिल्ला के भाई बुला ली, इधर देखते हैं। इधर भाई मुझको एक की मिल चुकी है भाई, मेरे पास 20 सेकंड है। और इधर भाई इधर कांटे से थोड़ा बचकर, और देखते हैं भाई चलो अपने भाई पहले रूम में ही चलते हैं यार। और इधर से हम जल्दी से करते हैं अपने गेट को लॉक, और वो देखो फाइनली वो ढीला भी आ चुका है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? हाँ भाई हाँ ढीले चल, पता है मुझे पता है कि बात क्या वो है। और वेट अ सेकंड, तेरी भाई ये इधर कुछ गलत नहीं हुआ, तू जा, समथिंग रॉन्ग है। अबे कुछ भी गलती नहीं हुई है, नूबड़े तू जा तक वो नहीं है पहली फुर्स में। भाई जा मुन्ने जा, तेरी अम्मा बुला रही है। और फाइनली ये जा चुका है। चलो भाई जल्दी से अपने गेट फोड़ के चलते हैं बाहर। और एक सेकंड भाई मुझको भाई ये वाली की मिली थी रेड कलर की, पता नहीं भाई कहाँ पर यूज होगी। चलो चेक करते हैं भाई, हो सकता है भाई किसी ना किसी रूम की तो होगी मेरे हिसाब से। पहले भाई इस वाले रूम में चेक करते हैं, शायद इसकी हो सकती है। और नहीं यार इस वाले रूम की नहीं भाई, तो सामने भी तो एक रूम है उसमें चेक कर लेते हैं। चलो भाई एक बार इस वाले भाई गेट में ला के देख लेते हैं क्या है। और भाई ये भी लॉक है, मतलब भाई इसकी भाई वाली की नहीं है। और एक सेकंड भाई ये तार भाई इसका भाई बिजली का यहाँ पे आ रहा है। और भाई इसके अंदर भाई अलार्म के अंदर, मतलब कि भाई एक सेकंड भाई मैं देखता हूँ भाई इसकी सील भी क्लोज है, इसके लिए भाई एक की लगेगी। अरे यार मतलब भाई ऐसा सीन है भाई, जब भी भाई मैं किबाड़ खोल करूँगा भाई अलार्म बजेगा, तो भाई अलार्म बजेगा तो साफ सी बात है भाई वो चोर भी आएगा भाई, कैसा ना कैसे करके भाई मुझे इसका हाथ तो ऑफ करना पड़ेगा। मन भाई जब भी वो बंदा आएगा तो भाई हमेशा वो अलार्म बज करेगा। एक बार भाई कंटेनर के अंदर ला के देखता हूँ, लो भाई इस कंटेनर की चाबी, उसमें देखते हैं भाई क्या है। उसमें मिलेगी भाई मुझे एक की, और देखते भाई ये भाई किसी न किसी रूम की तो अब होगी। तो चलो यार एक बार चेक करके देखते हैं। और भाई इसने दोबारा से निराश कर दिया भाई, इस वाले रूम की भी नहीं है। और एक चीज इधर देखते हैं, इधर भाई एक रूम है उसको भाई मैं उठा सकता हूँ फिर तो भाई इसका कुछ ना कुछ यूज होगा ही। और देखते हैं भाई और इधर क्या, इधर भाई बाल्टी से उठा नहीं सकता। और एक्स का भाई ये आधा टुकड़ा है, मतलब भाई इसकी पीछे भाई लकड़ी नहीं है, देखते हैं भाई इसका बाद में क्या यूज होता है। और देखते हैं भाई इधर के भाई तरफ में कुछ है, इधर भी कुछ नहीं। और अबे यार भाई इसके फंस गया, अबे निकल जल्दी, मैं बुरी तरीके से फंस गया। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यार। अबे जल्दी निकल जा फिर भाई, फाइनली बच गया। ओहो भाई साहब फाइनली यार मैं बच गया इस खबीज के बच्चे के ट्रैप से। अबे चले हैं यहाँ से। और यहाँ पे भाई मेरे कुछ गलत नहीं हुआ, बस तूने ही गलती कर दी यहाँ पर, आगे जो चल जा। अब हमें इंसान इससे कह रहे हैं चले है, जाता ही नहीं है नूबड़ा। चलो भाई यार जमूरा तो जा चुका, लेकिन भाई मुझे इस चीज़ का बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, कहीं पे भाई कांटे नहीं हो। मतलब भाई एक बार मैं कांटे में फंस जाता हूँ भाई, निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ तो भाई साहब मैं कहाँ तक पहुँच गया था, हाँ तो यहाँ तक पहुँच गया था। और इधर भाई एक जाली है जिसके अंदर भाई बोल्ट लगे हुए हैं। अच्छा भाई इसके लिए ना कोई रिंच वगैरह लगेगी। और फिलहाल भाई इधर एक कुआ जिसका भाई कोई हैंडल ही नहीं है भाई, मतलब घुमाने के लिए भाई इसको ऊपर कुछ आती है ना रस्सी वगैरह, इसके लिए भाई कोई है ही नहीं है हत्ता वगैरह। खैर भाई मैंने भाई इस ड्रॉर के अंदर वैसे चेक कर लिया था, एक बार देख लेते हैं इसके अंदर खैर कुछ भी नहीं है। और देखते हैं भाई और क्या है। और इधर भाई एक बॉक्स है, और देखते हैं भाई इसके अंदर क्या है, ये चेस्ट है। और भाई इसके अंदर भाई कोई पिन वगैरह डलेगा 3G का, तब भाई आगे खुलेगा। भाई तुम बस मानो मत मानो भाई, ये वाली चाबी इस वाले रूम की ही है। हाँ भाई मुझे पता है भाई अलार्म बजेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। सब यही कहते हैं कि देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, जब चार कांधों पे लेके जा रहे होंगे तब देखा जाएगा। पहले एक लंबा सांस ले लेते हैं। Cool man. चल भाई जल्दी से घुस जा भाई, एक सेकंड देखते हैं भाई, 25 सेकंड है, कोई नहीं आराम से देखते हैं इस भाई कंटेनर में, देखते हैं इसके अंदर भाई कुछ भी नहीं है। चलो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको बंद कर दो। इधर भी भाई वैसे कुछ भी नहीं है। और एक सेकंड भाई इधर भाई सीढ़ियों के नीचे, इधर भी भाई वैसे कुछ नहीं है भाई। 15 सेकंड बचे हैं मेरे हिसाब से भाई, हम निकल लो भाई जल्दी से, इधर की किवाड़ भेड़ो, निकल लो फटाफट से यार, मैं पहले अपनी किवाड़ भेज लेता हूँ। और एक सेकंड यार ये तो भाई इधर साइड में दिख रहा है भाई, मैं तो इधर साइड में गया ही नहीं था, मैं तो उधर साइड में गया था। अबे क्या गुंडा बनेगा रे तू,
भाई देखो मुझको तो ऐसा लग रहा भाई, मैंने शुरू में देखो ढंग से चेक करा नहीं है भाई, मैं सोच रहा हूँ भाई एक बार और चेक कर लूँ इस वाले रूम में, ठीक है ना। तो चलो यार एक बार और चलते हैं भाई, बिल्कुल आराम से चेक कर देंगे, ठीक है ना। इधर तो कुछ भी नहीं है और इधर भी नहीं है, एक बार भाई एक बार देख लेते हैं इधर, इधर भी कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है। चलो कोई नहीं, एक बार भाई कंटेनर में देख लेते हैं, कंटेनर में भी कुछ भी नहीं है। और भाई इधर देखते हैं आपके आराम से जीने में, और जीने में भी भाई कुछ भी नहीं है यार, लेकिन इधर कुछ भी नहीं है भाई। अब 10 सेकंड रहेगा यार, भाई पहले निकल लेते हैं यार इधर से, पहले मैन सीट की बार भेज लेता हूँ। बहुत देर हो गई भाई, तू चले जा पहले। चलो भाई भाई मैं एक बार और कंटेनर में चेक कर लेता हूँ, और नहीं यार इसमें कुछ भी नहीं है, इसको भाई बंद करते हैं। इधर देख लेते हैं, इधर भी भाई कुछ भी नहीं है। भाई साहब मुझको लग रहा है भाई मैं कहीं ना कहीं भी कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ भाई, एक बार मुझको लगता है भाई रूम में एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो फिर यार चलते हैं भाई रूम के अंदर, फिर देखते हैं। चलो भाई लिफ्ट खोल लेता हूँ गेट, अब भाई बिल्कुल आराम देखते हैं, इधर भी भाई कुछ नहीं है। और देखते हैं भाई मैंने कुर्सी कैसे उठा ली, इसको रख देते हैं यहीं पर ही। और देखते हैं भाई डस्टबिन के अंदर तो कुछ भी नहीं है, और इधर देख लेते हैं कंटेनर के अंदर, कंटेनर के अंदर भी बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल सफाई है, ठीक है ना। इधर देख लेते हैं, ओ भाई एक सेकंड भाई इधर भाई कुछ है, इधर भाई मेरे कोई नाइफ मिल गया भाई, जल्दी भाग ले इधर से, उसको सांस तो लेने दे बे। और भाई फिलहाल भाई मुझे एक नाइफ मिल चुका, और मुझे पता भाई ये कहाँ पर यूज होने वाला है, तुमसे क्यों पता होगा भाई, एक यहाँ पर बॉक्स था ना, जो टेप जो लगा हुआ था इसमें भाई इसे टेप कर जाएगा, लो फाइनली कर चुका है। देखते हैं इसमें क्या है, वो की हैंडल, भाई की हैंडल किसका माई, एक सेकंड पहले इसको बाहर लेके चलते हैं यार, हो सकता भाई ये किसी डोर की हो कि शिट भाई इस वाले रूम की भी नहीं है, और भाई कहीं ऐसा तो नहीं भाई इस वाले भाई बॉक्स की हो भाई, ये ऑन ऑफ करने वाला है स्विच, और लो भाई इसी की है भाई, की है भाई, जल्दी से इसको मैं ऑफ कर देता हूँ भाई अलार्म को, अब भाई अब बिल्कुल भी अलार्म नहीं बजेगा। चलो भाई फाइनली मैंने मामला सॉल्व कर ही दिया, अब तो भाई सब कोई अलार्म बलार्म की कोई टेंशन नहीं है, आराम से छानबीन करो भाई, कोई काम वाम नहीं भैन, कभी बम्बई कभी गोवा। चलो भाई एक बार भाई सीढ़ियों के नीचे भी देख लेते हैं, देख लेते हैं आराम से, और दिस इज ग्रेट प्लेस साइड। अरे भाई कहीं ऐसा तो नहीं है भाई, मैं एंड नहीं करूंगा तो भाई थोड़ी देर तक मैं यहीं पे ही छुपना पड़े, अभी तो मैं आगे चल के बता दूंगा भाई मुझे कैसे पता चला कि यहीं पर ही मुझको छुपना है। और उसी के साथ में फिलहाल भाई यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं, चल के ऊपर देखते हैं भाई, लेकिन कुछ यहाँ पे ज्यादा अंधेरा नहीं है, एक सेकंड इधर भाई कुछ चटकनी थी, लाइट ऑन करके देखते हैं, और क्या भाई इधर बल्ब ही नहीं है ऊपर भाई, मतलब कैसे ढूंढूंगा इतना ज्यादा ही अंधेरा हो रहा है, मतलब देख रहे हो भाई इधर तो भाई घंटा भी कुछ नहीं दिखेगा भाई। और एक सेकंड भाई इधर भाई कुछ बल्ब होल्डर है, और देखो भाई इधर भाई लाइट की भाई कोई नीड है शायद, देखते हैं भाई नीचे भी तो एक बल्ब है, देखते हैं भाई ऊपर लगा दें, और नहीं यार ये वाले बल्ब तो मैं नहीं निकाल सकता, और देखते हैं। अरे भाई ने, अरे भाई टांग पे काट दिया इस कुत्ते ने, अबे भाई सेकंड और लग गए यार, कोई नहीं चलो पहले इसको भेड़ के चलते हैं, और दोबारा से अगेन वही किवाड़ को भेड़ लेते हैं। और एक चाहिए कट्टा को ऑप्शन कैसा है, और इसके ऊपर, अरे भाई इसके ऊपर बल्ब, एक सेकंड भाई इसके ऊपर बल्ब है कहीं, ऐसा तो नहीं भाई तुम सभी को याद होगा जब भाई मैं उस वाले सामने वाले रूम में गया था तो उधर भाई मैंने एक कुर्सी को उठा लिया था, फिर मैं भी रख दिया था भाई, कहीं ऐसा तो नहीं भाई इस कट्टा पे भाई कुर्सी ला के भाई मैं रख दूं, फिर ऊपर से बल्ब उतार के भाई उस वाले रूम के अंदर बल्ब को लगा दूं। तो भाई जल्दी चलते हैं अंदर, और एक सेकंड इधर भी क्या है भाई, रोप हुक कहीं भाई, ऐसा तो नहीं मतलब भाई इसके अंदर रस्सी बांध के गेट को बंद कर दूं। अच्छा भाई एक सेकंड में तुम्हें बाद में डिस्कशन करूंगा भाई, पहले इसको लेके चलते हैं चेयर को लेके अंदर, और अपनी चेयर को रख देता हूँ इस कट्टे के ऊपर, और इसको भाई पहले चढ़ जाते हैं। और भाई साहब ये अपना बल्ब जो भाई मैंने निकाल लिया, भाई जल्दी से अपनी चेयर को ले लो भाई, आ जा भाई चेयर, अबे आएगी नहीं क्या, आ चलो। तो मैं चेयर को रख देता हूँ चेयर की जगह पर, अब भाई जल्दी से लेके चलते हैं बल्ब को ऊपर और लगाते हैं भाई इसकी जगह पे। हाँ भाई इधर भाई इसका हुक होगा ये रहा, लगा दिया भाई जल्दी से अपनी चटकनी को, इधर से मैं कर लेता हूँ ऑन। चलो भाई अब भाई पूरे में रोशन रोशनी छा चुकी है, और भाई इधर काटे भाई इससे भाई बिल्कुल बच के रहना। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। और इधर भाई कुछ पेटी वगैरह में तो नहीं है ना, पता चले भाई इसके अंदर कुछ हो, वैसे इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। इधर भाई एक सूटकेस है जिसके लिए मैं लगता है भाई कोई की वगैरह ही लगने वाली है, और देखते हैं भाई। और एक सेकंड भाई सामने की तरफ में एक पेटी इधर देखते हैं, इधर तो कुछ नहीं है, इसे खोल लेते हैं, और लो भाई फाइनली भाई मुझे इसके अंदर भाई मिल चुकी है रिंच। आप तुम सभी को पता ही होगा भाई रिंच कहाँ पर यूज होने वाली है, जिन लोगों को नहीं पता उन सभी को भाई भी गेम में आगे पता चल जाएगा। और इधर क्या है, और इधर भाई कोई वास है जिसको कि भाई कुछ ना कुछ तो भाई इसके अंदर निकलेगा, यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो भाई हम रेंज का काम करने चलते हैं। सो भाई फाइनली मैं जाली के पास में आ चुका हूँ, जल्दी से भाई इसके भाई मैं नट खोल लेता हूँ, 1 2 3 4, और देखते हैं भाई इसके अंदर क्या है। उसके अंदर भाई मुझे की मिल चुकी है, अब भाई फाइनली भाई तो ये रूम की होगी, देखते हैं। लो भाई फाइनली अपने यहाँ पे रूम खुल चुका है, देखते हैं भाई इधर अंदर भाई क्या क्या सामान है। इधर भाई कोई फ्रिज है, इसके अंदर तो भाई कोई ढंग का सामान लग नहीं रहा, छोड़ो इसे। और इधर देखते हैं भाई एक सेकंड, इसको तो भाई मैंने पहले ही ओपन कर लिया था ना, इधर तो भाई कुछ भी नहीं है, और एक्सप्लोर कर लेते हैं। इधर भाई ड्राम में कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, और इधर डिब्बे में कुछ नहीं है, लेकिन एक सेकंड इधर एक कवर्ड है जिसके अंदर भाई एक तार लग रहा है, शायद मुझे वायर कटर से इसको काटना पड़ेगा। और इधर भाई कुछ ड्रॉर वगैरह है, और एक सेकंड इसको लो कुछ पजल टाइप का नहीं बनना है ना, कोई पजल तो नहीं है ये,
ये इसको ऐसे ही रहने देते। ओए एक सेकंड भाई, ये शायद कोई पजल ही है, मतलब भाई इधर भाई मेरे ड्रॉर से कोई पजल सॉल्व करनी है, तब जाके भाई मुझे इसके अंदर से कुछ मिलेगा शायद सामान। चलो भाई खैर इसको तो छोड़ देते हैं पहले, इसके लिए भाई मुझे एक ड्रॉर हैंडल चाहिए होगा। और इधर देखते हैं भाई इधर के सामान है, ऐसे ही खुल गए तो। और लो भाई इसके अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब जो भी भाई बिना की का दोगे तो उस बॉक्स के अंदर तुम यार कुछ दोगे ही नहीं। ये ठीक नहीं हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं सर। और फिलहाल तो भाई इधर भाई कोई केज है, और इसे देखते हैं कैसे खुलता है। द है किस द रस्टी, पता नहीं भाई किसी ना किसी चीज़ से तो भाई खुल ही आएगा। इसको भाई भी साइड में रखते हैं, और इसके इधर भाई एक और डोर है। एक दिन पहले इधर लाइट जला लेता हूँ मैं, और इसको भाई खोल लेते हैं। लेकिन ओल्ड डोर मतलब भाई ये खुलेगा ही नहीं, मतलब कुछ तो भाई जुगाड़ करना पड़ेगा। ओल्ड डोर है मतलब भाई ये खुलेगा नहीं, देखते हैं भाई। और एक सेकंड ये भाई भुई वाले भाई, देखो ये भुई वाली जगह जहाँ पर मैं तुमसे कुछ कह रहा था ना शुरू में कि कुछ लिख रहा है, तो भाई एक काम करते हैं, मैं यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा भाई, अपने वाले रूम में आके देखते हैं क्या लिख रहा था। हाँ भी भाई साहब ये छेद देखते हैं क्या लिख, और 923 इधर भाई कोई पिन लिख रहा, और ये भाई उसी भाई चेस्ट का भाई पिन है। चलो भाई जल्दी से अपने चेस्ट के पास चलते हैं, और भाई साहब ये अपनी चेस्ट जल्दी से भाई इधर डाल देते हैं अपना पासपोर्ट। और भाई इसी के साथ अपनी चेस्ट ओपन हो चुकी है, और इसके अंदर मुझे मिला है लुब्रिकेंट पता नहीं। और एक सेकंड भाई ऐसा तो नहीं भाई इसके अंदर भाई कुछ कीज के अंदर एक काम आ जाए। एक सेकंड सबसे पहले इसकी लाइट ऑफ कर देता हूँ भाई, हो सकता है भाई कीज के अंदर काम आ जाए। एक सेकंड थोड़ा आराम से इधर भाई लगा देते हैं इस रेड रेड पे, और लो भाई ये यहीं पर यूज होता, फाइनली ये खुल चुका है। और देखते हैं भाई इसकी ड्रॉर में खोल के इसमें क्या मिलता है। और नाइपर्स भाई मुझे पता भाई ये कहाँ पर यूज होने वाला है, और भाई साहब इस कटर से कटने वाला भाई वाला तार, तो भाई फटाफट से भाई मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। और भाई जल्दी से यहाँ से ड्रॉर को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। भाई बोतल किसी ने रख दी यहाँ पे भाई, 25 सेकंड लग गए। अबे क्या होगा अभी भाई, सबसे पहले तो मैं ड्रॉर बंद कर देता हूँ भाई, इसको कैसे साफ करूँ। और भाई एक सेकंड याद हो गया भाई, तुमसे क्यों याद होगा भाई एक बार भाई रियली रूम है भाई, इसमें साफ सफाई कर सकता हूँ शायद, देखते हैं। और लो भाई इसकी मैंने साफ सफाई कर दी भाई, जल्दी से रूम को भाई मुझे जल्दी से यहाँ पे रखना है। और भाई जल्दी से यहाँ से लाइट ऑफ कर दूँ, गेट बंद कर दूँ, जल्दी से भाग लो जल्दी अपने रूम में। और ये देखो भाई फाइनली ये चोर भी आ चुका है। हाँ भाई चोर खोल इसको गेट को। देखो भाई अपने धड़को आगे करते हुए ले गया था, कितना बड़ा बादशाह है। और एक सेकंड भाई तो भाई इसी वाले रूम में जा रहा भाई, जहाँ से मैं आया हूँ भाई, बस मैंने इसके अंदर भाई कुछ गड़बड़ नहीं कर दी हो। और वेट अ सेकंड, बस भाई मेरे हिसाब से मैंने कुछ गड़बड़ करी नहीं है, बिल्कुल साफ सफाई कर दी थी। अरे नूबड़े इधर कुछ भी गलत नहीं है, जाता वो नहीं है तू। और अबे भाई उधर का भाई मैं केज कैसे बंद करना भूल गया यार, अब मरना तो ये चला इसके अंदर घुस जाता हूँ, ले मान ले मरना है। चलो भाई यार फाइनली देखो यार मैं दोबारा से आ चुका हूँ, लेकिन भाई अब जो भाई मैं खेलूंगा भाई बिल्कुल सुकून शांति से खेलेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, आराम से भाई सब कुछ खोलेंगे आराम से बंद करेंगे, ठीक है ना। ओके जल्दी से भाई इधर से लाइट ऑन करते, किवाड़ खोल लेते हैं भाई। अब फाइनली मैं आ चुका हूँ, और भाई इस केज के चक्कर में भी मैं इससे पहले मारा गया था भाई, इससे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। चलो भाई अब इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर हमारे लिए क्या था। इधर है वुडन हैंडल, और भाई मुझको पता भाई कहाँ पे यूज होने वाले, तुमसे क्यों पता है एक एक्स है ना उधर होगा, पहले लाइट ऑफ कर दो आराम से। इधर से किवाड़ भर लेते हैं, ये दो एक्स के अंदर लगने वाला, एक सीन लकड़ी लगेगी एक्स के अंदर। लो फाइनली अपनी पूरी पूरी एक्स तैयार है, लेकिन इसको यूज कहाँ पे करना है वैसे एक्स को, वैसे मेरे हिसाब से भाई इधर भाई एक लकड़ी भी है, लकड़ी तो नहीं काटनी ना वैसे भाई लकड़ी। अरे भाई लकड़ी से याद आया भाई, तुमसे भी कोई याद होगा भाई एक ओल्ड डोर है, वो भी तो भाई लकड़ी का, इसको मैं तोड़ सकता हूँ। एक सेकंड पहले अंदर चल के देखते हैं, फिर देखते हैं भाई हो सकता है भाई मैं इसको तोड़ दूँ तो हो सकता है मैं अंदर जा सकूँ, देखते हैं। और लो फाइनली टूट चुका है, और 25 सेकंड लग चुके हैं भाई पहले लाइट ऑफ करके, आराम से पहले अपने रूम के अंदर बंद हो जाते हैं। फर्स्ट भाई पहले किवाड़ भेड़ो, लाइट ऑफ करो यहाँ से बस, और साथ में अपने किवाड़ भी भेड़ना है। अबे खबीज चले हैं यहाँ से, क्या कर रहा है, समथिंग इज रॉन्ग हियर। अबे इधर कुछ नहीं हुआ, तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा करके गलती कर दी। और क्या कह रहा है, माय माइंड ट्रिक्स में, अबे तेरे दिमाग खराब हो गया, अपने दिमाग की दिमाग को दिमाग के डॉक्टर के पास दिखा के आ जा। चलो भाई फटाफट से इधर लाइट ऑन कर लेते हैं, अब चेक करते हैं इधर क्या है, ड्रॉर में देख लेते हैं ड्रॉर में कुछ है क्या। और एक सेकंड कुछ है तो है, देखते हैं इधर कुछ है, ड्रॉर हैंडल। और भाई मुझको बता भाई ड्रॉर हैंडल कहाँ पर यूज होने वाला है, जिन सभी को पता चल गया सही है, जिन लोगों को नहीं पता चला अभी आगे पता चल जाएगा। और मेरे हिसाब से भाई फिलहाल तो इधर और कुछ भी नहीं है, डस्टबिन में तो कुछ नहीं है ना, फैसले डस्टबिन में हो इधर ही भाई, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। और भाई ये वाला छेद था इधर भाई एक पिन हुआ था, देख रहे भाई 923 मैं कह रहा था ना कुछ हुआ। और एक सेकंड इधर भाई कुछ और इधर भाई मतलब कुछ लगा हुआ है, भाई मुझे छेद करके इसका भाई शायद सारा पानी निकालना पड़ेगा, इसके नीचे हो सकता है भाई मुझे कुछ ना कुछ मिले, इसके भाई सारे फाटों में कुछ ऐसा ना ऐसा सीन होता ही है। तो चलो यार पहले अपना हैंडल दिखाते हैं किस काम में आने वाला है। हाँ तो भाई इसके अंदर ड्रॉर के अंदर लगने वाला है, जो मैंने भाई लगा दिया है, अब देखते हैं भाई ये कौन सा भाई पजल सॉल्व करके होगा।
एक सेकंड दे ले, ऊपर वाली खोल लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा, साइड वाली से भी कुछ नहीं हो रहा, और एक बार नीचे वाली को देखते हैं, इससे भी कुछ नहीं हो रहा। अब इस वाले ड्रॉ को करो बंद। अब भाई एक बार रेड वाली खोल लेते हैं, इसके बाद में ग्रीन वाली मिला लेते हैं, इससे भी कुछ नहीं हो रहा, और नीली, और भाई नीली वाली से खुल चुका है, उसमें देखते हैं हमें कॉर्क स्क्रू मिल चुका है, और मुझे पता भाई ये कहाँ पे यूज होने वाला है, लेकिन भाई उससे पहले भाई मैं सारे ड्रॉरों को बंद कर देता हूँ। भाई ये वाली खुली थी, इसको खुले दो बस। अब चलते हैं भाई अंदर, ड्रम के अंदर मारते हैं नीली छेद, और भाई इसका भाई सारा जो भी है पानी पता नहीं तेल है जो भी भाई सारा निकल जाएगा। अब देखते हैं इसके नीचे भाई कुछ तो है, दो भाई तुमसे क्यों दिखी रहा होगा, इस तरह मेटल हैंडल, और भाई ये भी भाई मुझको पता है भाई कहाँ पर यूज होने वाला है, ये यूज होने वाला है भाई अपने कुएं के अंदर। पहले इधर से लाइट ऑफ करो, चलते हैं इधर से भाई, गेट और लाइट बंद करो क्योंकि और भाई इसको फटाफट से लगाते हैं अपने कुएं के अंदर, इधर साइड में लगना है। हाँ अब इसको भाई घुमाते हैं, देखते हैं भाई कुएं के अंदर से अपनी क्या ही खजाना। लेकिन भाई ये क्या भाई, तो खाली बाल्टी ला के देखते हैं भाई, एक और भी तो बाल्टी है, ये वाली तो भाई बाल्टी उठी नहीं, देखते हैं, और ये वाली बाल्टी भी नहीं उठ सकता, मतलब भाई ये तो स्कैम कर दिए सालों ने भाई, खाली रस्सी भेज दी, ऐसा भी तो हो सकता है भाई इसके अंदर कुछ लगा के हम भेजें तब हो। और फिलहाल भाई ऊपर एक मटका भी तो, पहले लाइट ऑन कर लेता हूँ इधर से, चलते हैं भाई पहले ऊपर आराम से बैठ के, भाई एक ऊपर मटका भी तो है, और ये देखो भाई मेरे पास अभी तक कुल्हाड़ी हैगी, वरना भाई अभी तक काम खत्म होने के बाद गायब हो जाती है। एक बार भाई उससे फोड़ के देखते हैं कुछ होता है नहीं होता, और भाई फूट चुकी है, इसके अंदर भाई कुछ है, इसके अंदर भाई मुझे मैग्नेट मिल चुकी है। चलो भाई मेरे पास अभी 20 सेकंड है, लेकिन भाई कोई नहीं भाई आराम, चलते हैं कहीं ना कहीं भाई मैग्नेट यूज होगी, कहीं ऐसा तो नहीं भाई ये मैग्नेट भाई कुएं के अंदर यूज हो जाए। तुझे लगता है तू बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है तू। मुझको तो भाई ऐसा ही लग रहा है कि भाई वो मैग्नेट जो है ना भाई उस कुएं के अंदर ही भाई यूज होगी, क्योंकि भाई सोच के देखो भाई उसके अलावा तो मेरे पास और कुछ चीज बची नहीं है। तो देखते हैं भाई इसकी, भाई पहले भाई मैं इसकी रस्सी ऊपर कर लेता हूँ, देखते हैं भाई लगेगी तो उसके अंदर ही लगेगी, देखते हैं मैग्नेट के अंदर लागू, फाइनल लग चुकी है। चलो भाई सब बेहतर है, फटाफट भाई इस रस्सी को मैं डालता हूँ नीचे, भाई कोई होगी भाई लोहे की चीज तो भाई चुपक के आ सकती है, इसको ऊपर भाई ऊपर बुलाते हैं, देखते हैं इसके क्या है और क्या है, एक की आई है लोहे की होगी, इसको पहले नीचे डाल देता हूँ, और भाई देखते हैं भाई ये की कहाँ पर यूज़ होने वाली है। मेरे हिसाब से भाई सब जगह तो की यूज़ हो गई, और एक सेकंड भाई तुम सभी को ये याद होगा भाई एक सूटकेस था भाई ऊपर की तरफ में, हो सकता है भाई वो उधर की तरफ में यूज़ हो। चलो भाई पहले जल्दी से ऊपर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। तो चलो भाई सबसे पहले भाई मैं इधर से कर लेता हूँ लाइट ऑन, अब भाई चलते हैं आराम से ऊपर। भाई मेरे हिसाब से भाई वो सूटकेस की होगी, मैंने सब जगह तो अपना काम हो गया, और अब फंस कैसे गया, अब आना। चलो भाई इसके अंदर लगा दो फाइनल इसकी हो, और एक सेकंड मुझे भाई इसके अंदर मिल चुकी है एक रोप, और रोप अरे भाई मैं समझ गया भाई रोप का भाई इस्तेमाल भाई वो नीचे होने वाला है गेट के अंदर। मैं तुमसे भी उससे कह रहा था ना कि भाई देखो ये रोप का हुक है, तो भाई वो वहीं पर यूज़ होगी। तो भाई सबसे पहले इधर से मैं कर देता हूँ लाइट ऑफ, तो हाँ भाई देखो अपनी रोप जो है ना यहाँ पर यूज़ होगी रूप हुक में। अब तुमसे क्यों बता दूँ भाई ये अपने क्यों यहाँ पर यूज़ होगी, क्योंकि भाई जब वो आएगा ना यहाँ पर जो चोर जो है वो जैसे इसके अंदर आएगा मैं इसको बंद कर दूंगा, और यहाँ पर रूप हुक को लगा दूंगा, तो भाई बिल्कुल लॉक हो जाएगी मतलब गेट, तो फिर भाई मैं यहाँ से सामने वाले गेट से भाग जाऊँगा। तो भाई ये कुछ ऐसा मसला होने वाला है जैसे तुम सभी ने देखे होंगे इसके सारे पार्टों में, सबसे पहले भाई मुझे इस चोर को भाई बंद करके आना होता है रूम के अंदर। तो भाई फिलहाल अपने अभी मेन जो टास्क होने वाला है वो होने वाला भाई उस नूबड़े को बुलाना चोर को, तो उसके लिए भाई सबसे पहले जो है ना भाई ये कुत्ता दिख रहा है ना इससे पहले मैं कट पाऊंगा, जैसे भाई ये कुत्ता मेरे काट लेगा तभी भाई वो सेकंड शुरू हो जाएंगे, तो फिर पता है मैं क्या करूंगा, मैं छुप जाऊंगा भाई सीढ़ियों के नीचे। तुम सभी ने देखा होगा ये सीढ़ियाँ जो है ना, जब सबसे पहले मैं यहाँ पे सुबह था बेस्ट प्लेस हाइड इस टाइप से कुछ लिख लिख के आ रहा था, मैं तुमसे कह था ना बाद में बताऊंगा इसका यूज़ क्या है। तो भाई साहब इसका यही यूज़ है कि मुझे भाई यहाँ पर छुपना है जीने के नीचे। चलो भाई यार फटाफट से मैं कुत्ते को देता हूँ अपनी टांग, और भाई ने काट लिया फाइनली, और 25 सेकंड भाई चलो अपने शुरू हो चुके हैं, कोई नहीं भाई आराम चलेंगे भाई, चलो अब मैं जीने के नीचे छुप जाता हूँ। अब भाई फिर वो आएगा चोर, फिर देखते हैं भाई क्या सीन रहने वाला अपना। ओ भाई साहब पूरे सेकंड कम्प्लीट हो चुके हैं, अब भाई वो चोर आने वाला होगा, और अब भाई मुझे भाई वो लॉक करके निकलना, भाई सामने आ चुका है, देखते हैं भाई बस ये अपनी तरफ नहीं आया। वैसे भाई मैं सेफ जगह पे हुआ हूँ, हाइड एंड सीक कर रहा है। ओ भाई ये फाइनली ऊपर भाग गया बिल्कुल सही है, ओके लेट्स गो डू इट। चलो भाई मैं कर सकता हूँ अब जल्दी से भाई भाग लेता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं, जल्दी से भाई इधर लगाता हूँ मैं, कि बार लग जाओ इधर में लगाता हूँ रस्सी। चलो भाई फाइनली मैं बिल्कुल सेफ हूँ, और साला दो भाई यहाँ पे दो दरवाजे पीट रहा है। अब बस भाई ये कुत्ता नहीं काट लगा, चलो निकलते हैं। अबे हट ना, अबे भाई ये किसी गिलिश की कार देखो दीवार के आर पार दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं। अब बस भाई मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, कुत्ते छोड़ रहा भाई छोड़ना। चलो भाई फाइनली भाई मैंने इस गेम को यहाँ पे कर लिया एस्केप 25 मिनट 44 सेकंड के अंदर। तो चलो यार आज की गेम प्ले वीडियो हम यहीं पर कर देते हैं द एंड। तो आज हम करते हैं इस वीडियो पे लाइक, अगर इस वीडियो पे 15 लाइक आ जाते हैं तो फिर भाई मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, जिसका फोर्थ पार्ट है, इसको जल्द से जल्द मतलब भाई नेक्स्ट वीडियो जो होगी भाई वो फोर्थ पार्ट की होगी, अगर आप सभी ने 15 लाइक करा दिए तो। अगर आप इस वीडियो पे अगर 20 लाइक करा देते हो तो फिर भाई जब मैं कोई सी भी नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊंगा उसके अंदर भाई मैं फेस कैम वीडियो लेके आऊंगा। तो चलो यार आज की गेम प्ले वीडियो हम यहीं पर कर देते हैं द एंड। तो आई होप आप सभी को आज की वाली गेम प्ले वीडियो जरूर पसंद आई होगी, पसंद आई तो फटाफट से इस वीडियो कर दो यहाँ पे जल्दी से एक लाइक, नीचे आप सभी को दिख रहा होगा एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, तो फटाफट से इसको प्रेस कर दो यार। हम मिलते हैं अगली कोई न्यू गेम प्ले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।